चलिए शुरू करते हैं क्लास को। देखिए एडवर्ब हम लोगों ने कल बेसिक बिल्कुल पढ़ लिया था, और जैसे ही बेसिक पढ़ते हैं वैसे ही कंप्लीट हो जाता है एडवर्ब का पार्ट। लेकिन क्या एडवर्ब में से सिर्फ बेसिक में से आता है? नहीं, एडवर्ब के बेसिक के अलावा एडवर्ब के बहुत सारी चीजें और आती हैं। तो आज हम लोगों को करने वाले एडवर्ब के बहुत सारे कॉन्सेप्ट आज की क्लास में। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने एडवर्ब के काइंड्स पढ़ा था, एडवर्ब क्या काम करते हैं ये पढ़ लिया। लेकिन एडवर्ब सेंटेंस में कहाँ पोजीशन होते हैं? पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया हुआ है जब हमने फाउंडेशन क्लास किया था। हमने पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स पे काम कर लिया था, एक बार वहां से टैली कर लीजिएगा। बेसिक जो है वो मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ। एक होता है एम पी टी आर, यानी कि अगर मैनर, प्लेस, टाइम और रीजन सारे एक साथ में आ जाए तो जो सीक्वेंस होता है वो MPTR का फॉलो होता है। स्टैंड्स फॉर मैनर, प्लेस, टाइम एंड रीजन। ठीक है, MPTR ये तो इसका सीक्वेंस होता है। अगर एक साथ में आ जाए MPTR, ये फाउंडेशन में ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, इसके अलावा हमने फाउंडेशन में क्या करा था? हमने पढ़ा था पोजीशंस को। जैसे कि अगर कोई वर्ब है, ही कॉल्ड द पुलिस, उसने पुलिस को कॉल किया। यहां तक क्या है? ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट हो गया। अब आपको एडवर्ब रखना है, तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्ब इमीडिएटली। उसने कब बुलाया पुलिस को? कब बुलाया? तुरंत बुला लिया। तो ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। कहाँ आया है? एकदम लास्ट में, क्योंकि वर्ब के लिए एडवर्ब अगर आ रहा है तो सबसे पहले ये चेक करना पड़ेगा कि वर्ब टीवी है या नहीं है। जैसे ही टीवी है तो वो पहले अपना ऑब्जेक्ट लेगा, क्योंकि अगर उसमें से हमने ऑब्जेक्ट हटा दिया तो वो आई टीवी बन जाएगा, तो वो तो गलत बात हो जाएगी। टीवी है तो वो ऑब्जेक्ट लेगा, और ऑब्जेक्ट लेगा उसके बाद में ही एडवर्ब आएगा। ट्रांजिटिव वर्ब का एडवर्ब यहाँ पर आता लास्ट में। अगर इसमें भी अगर आता इमीडिएटली फॉर इंक्वायरी, अगर ऐसे आता तो ये क्या बता रहा है? एडवर्ब ऑफ रीजन, क्यों बुलाया था ये बता रहा है। ठीक है, एट हिज होम, अपने घर पर। कहाँ बुलाया? अपने घर पर बुलाया। अब देखिए क्या ये सेंटेंस अभी भी सही है? He called the police immediately for inquiry at his home. क्या ये सही है? चेक करिए। तो आप कहेंगे नहीं, ये सही नहीं है, क्योंकि इसमें ये है प्लेस। MPTR के चार्ट में इसमें M नहीं आया, PTR आया, तो P जो होगा हमारा सबसे पहले आएगा, इसलिए हमें रीजन को थोड़ा पीछे, टाइम को और भी पीछे, है ना, इधर करना पड़ेगा, तब जाके आपको यहाँ पर प्लेस करना पड़ेगा फिट इस जगह पर। सबसे पहले प्लेस, ठीक है, उसके बाद टाइम, अपने घर पे बुलाया। कब बुलाया? इमीडिएटली। कब बुलाया? इमीडिएटली बुला लिया। ठीक है, किस लिए बुलाया? फॉर इंक्वायरी। इस तरीके से एडवर्ब का सीक्वेंस जो होता है वो सेट होता है। ठीक है, तो ये हो गया एडवर्ब का सीक्वेंस सेट। तो हमें ये देखना है, टीवी अगर आ गया तो टीवी के पहले नहीं आएगा एडवर्ब, बाद में आएगा। कितने भी एडवर्ब एक साथ में आ सकते हैं सेंटेंस में, वो सब इसी तरीके से आएंगे। ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा अगर हमें फ्रीक्वेंसी सेट करनी है, ही नेवर अंडरस्टैंड्स मी, ठीक है, या दे हार्डली लाइक हर, वो हार्डली उसको पसंद करते हैं। ये दोनों क्या है? एडवर्ब ऑफ निगेशन है,
है ना, पढ़ चुके हैं हम इसको कल, एडवर्ब ऑफ निगेशन। और यहां पर आई ऑफन विजिट हिम ऑन ट्यूजडेज, मैं अक्सर उसको ट्यूजडेज को ही विजिट करती हूँ। तो इन वालों में क्या है नीचे, इसमें ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, ये एडवर्ब ऑफ निगेशन है, ठीक है, ये भी, ये फ्रीक्वेंसी और निगेशन दोनों है। इनकी पोजीशन हमेशा कहाँ आती है, सब्जेक्ट के बाद में, कहाँ आती है सब्जेक्ट के बाद में, नहीं, हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब, इन दोनों के बीच में, हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब के बीच में अक्सर एडवर्ब देखा जा सकता है, अक्सर एडवर्ब देखा जा सकता है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में एडवर्ब देखा जा सकता है। ये एडवर्ब है, इट कैन बी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, इट कैन बी एडवर्ब ऑफ निगेशन, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये एडवर्ब है, ये इनकी पोजीशन फिक्स है, इनकी पोजीशन यहां पर आती है। अगर हेल्पिंग वर्ब है और मेन वर्ब नहीं है तो क्या होगा, एडवर्ब यहां पर आ जाएगा, ठीक है। या फिर अगर एडवर्ब है और मेन वर्ब है तो एडवर्ब की पोजीशन फिक्स है, यही आएगा। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों है तो बीच में आ जाएगा। अगर कोई है कि तो इसके बाद में आता है, इसके बाद में ही आएगा, इसके पहले आता है, इसके पहले ही आएगा। इसमें हमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, ठीक है, ये करना है। तो ये है एडवर्ब ऑफ पोजिशन की बात। सारे जनरली बाद में आते हैं, ये जो होते हैं ये वहां पर आते हैं बीच में। और हाँ, कई बार होता है शुरुआत में आ जाते हैं, तो कई से कई ऐसे आ सकते हैं, आई विजिट माई डॉक्टर जनरली ऑन ट्यूजडेज, है ना, या फिर जनरली आई विजिट हिम ऑन ट्यूजडेज, दोनों जगह हो सकते हैं। कई बार ये कुछ फिक्स है, पर जनरली एडवर्ब का ज्यादातर टाइम फिक्स नहीं होता है, पोजिशन फिक्स नहीं होता है। इसके अलावा, अच्छा, इन्वर्जन, इन्वर्जन क्लियर है या पढ़ाना है, एक बार बताइए। इन्वर्जन वैसे हमने बहुत ही बार कर रखा है हर जगह पर, पढ़ाना है क्या इन्वर्जन? ये इन्वर्जन होता है, शुरुआत में नो सूनर आ रहा है लिखा हुआ, ठीक है, उसके बाद आ रहा है डिड, नो सूनर डिड दे एंटर द स्टूडियो देन द लाइट वेंट ऑफ, ठीक है, रहने दीजिए, आई नो, क्योंकि आपने बहुत बारी कर रखा है, पढ़ा हुआ पार्ट है, एक बार देख लेते हैं बस। ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है, ये हमारा मेन वर्ब है, ओ सॉरी, ये मेन वर्ब नहीं तो सब्जेक्ट हुआ ना, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब, ये हमारा मेन वर्ब है। तो जो इन्वर्जन होता है यहां पर, जैसे ही एडवर्ब ऑफ निगेशन आ गया, ये जैसे ही निगेशन आया ऐसे ही ये फॉर्मूला फॉलो हो जाता है, ये कॉन्सेप्ट अप्लाई हो जाता है, जैसे ही निगेशन आएगा ये फॉलो हो जाएगा। ये सारे नेगेटिव में होता है ना, नेवर अगर शुरुआत में आ जाए, हार्डली अगर शुरुआत में आ जाए, हार्डली, रेयरली, नेयरली, हाँ सिर्फ शुरुआत में, अगर बीच में आता है हार्डली, आई हार्डली विजिट हिम, तो नहीं आएगा इन्वर्जन, अगर शुरुआत में आता है तो ही इन्वर्जन आएगा, नेवर, हार्डली, रेयरली, बेरली, सेल्डम, कोई भी नेगेटिव वर्ड लाइक नीदर, ठीक है, स्केर्सली, कोई सा भी, जैसे नो सूनर आ गया, तो कोई सा भी ऐसा वर्ड जिसमें नो आ रहा है वो, जैसे इन नो सर्कमस्टेंसेस, ये पूरा फ्रेज है तो नेगेटिव में आ जाएगा, ठीक है, एक्सेट्रा लिख रही हूँ क्योंकि कुछ और ऐड हो सकता है। तो एक तो इनके साथ आता है, इसके अलावा निगेशन कहाँ आता है,
जिस शो में आपने देखा होगा, ठीक है? इसके अलावा हेयर, इसके अलावा देयर, इसके अलावा कई बार ऐसा होता है लंबे फ्रेजेस ऑफ एडवर्ब्स, इन द मिडल ऑफ द सिटी डस ही लिव, ठीक है? इस तरीके से हेयर कम्स द बस, ठीक है? या हियर आर योर योर फ्रेंड्स, ठीक है? हाँ, इनके साथ नॉट नहीं आता है। अगर सेकंड सेंटेंस में आया तो इन्वर्जन लगेगा नीदर में नॉर में, हाँ लगता है। सो में भी लगता है ना, मैंने आपको बताया था सो डज ही, याद होगा अगर, तो इसलिए मैं बता रही हूँ। देयर आर मैनी पीपल गोइंग फॉर द शो या गोइंग फॉर इट, ठीक है? सो so does the little fish exhale, ठीक है? किसका हिंदी ट्रांसलेशन करना है सेंटेंस पे? देर आर मेनी पीपल गोइंग फॉर इट, इसका मतलब क्या? बहुत सारे लोग हैं इसके लिए जा रहे हैं। हियर कम्स द बस, लो बस आ गई। सो डज द लिटिल फिश एक्सेल, इस तरह से लिटिल फिश एक्सेल करती है। इन द मिडल ऑफ द सिटी डज ही लिव, वो रहता है सिटी के बीचों बीच। हियर आर योर फ्रेंड्स, तुम्हारे फ्रेंड्स ये रहे, ठीक है? बिल्कुल सेम है, बस ये है कि एडवर्ब जो है इन्वर्जन लेता है। अब पहले मैंने कहा कि नेगेटिव के साथ इन्वर्जन लगता है, पहले मैंने बोला नेगेटिव के साथ इन्वर्जन लगता है, पर मैं ये कह रही हूं सिर्फ नेगेटिव के साथ इन्वर्जन लगता है, ये गलत है, ठीक है? बहुत सारे और एडवर्ब्स हैं जो लेते हैं, जिनमें से ये तो है ही है, इनके साथ तो आता ही था, अब इनमें क्या होता? कई बार सेंटेंस देखो, ये राइटर्स करते हैं, है ना? राइटर्स क्या करते हैं, सिर्फ अपने राइटिंग को अलग दिखाने के लिए किसी भी सेंटेंस में इन्वर्जन का यूज कर देते हैं। जहां पर थोड़ा सा लंबा फ्रेज आया वो प्लेस बता रहा है या वो टाइम बता रहा है। इन द मिडल ऑफ द नाइट डिड आई फील थर्स्टी, राइट? इस तरीके से राइटर्स करते हैं, तो ये भी हो सकता है, इस तरीके से भी आप देख सकते हो। ओके, डन। तो ये इन्वर्जन है, ये वाला जो चीज है इसका, अब मैं इसका कुछ फिक्स नहीं है, किसी भी सेंटेंस में राइटर या कोई भी जो अपने लिखने के अनुसार अपने हिसाब से उसको सेट कर देता है, वहां पर इन्वर्जन आपको दिख जाता है। तो ये सब तो है, देयर में इन्वर्जन आता है, आपको पता ही है, देयर के बाद वर्ब हमेशा आगे वाले के अनुसार आता है, क्यों? क्योंकि देयर इन्वर्जन लेता है। ये नहीं है डमी सब्जेक्ट, इट्स नॉट एट ऑल अ डमी सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हो ही नहीं सकता, एडवर्ब होता है ये। तो ये क्या है, सिर्फ अपने साथ इन्वर्जन लेता है। तो ये चीज क्लियर हो गई, ये तो आपको पहले से आता था, ये मैंने यहाँ पर ऐड किया। सो का भी आपको पता है, आई डू नॉट या ही डजंट वॉच मूवी, सो डू आई, सॉरी नॉट वाले में नहीं आता है, ही वॉचेस मूवी, सो डू आई, वो मूवी देखता है जैसा ही मैं भी करती हूँ। ये मैंने क्लास में आपको पहले करवाई थी प्रैक्टिस, यस और नो ये बताइए, क्लियर है यहां तक? Yes or no? ठीक है, चलिए। अब कुछ एडवर्ब्स हैं जिनके बीच में डिफरेंसेस पूछे जाते हैं। हार्ड हार्डली मैंने आपको करवा दिया था क्या बेटा? आई थिंक करवा दिया था हार्ड हार्डली, है ना? तो हार्ड हार्डली अगर हो गया, हार्ड और हार्डली में बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, दे वर्क हार्ड, हाँ मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन करवाया होगा, दे वर्क हार्ड, दे हार्डली वर्क,
इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है, पहले तो ये देख लीजिए, ठीक है। दूसरी बात, हार्ड की जगह हार्डली और हार्डली की जगह हार्ड रखकर एग्जामिनर बहुत बार प्रॉब्लम देता है। इट इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, क्या ये राइट है या नहीं? रोहित इज हार्ड टू अंडरस्टैंड। Answers. एक ही सेंटेंस में दोनों आ सकते थे, हार्डली ट्राई टू डू हार्ड वर्क। बस आप ये देखते रहिए कौन सा सेंटेंस राइट है कौन सा रॉन्ग है, अपने आप आपका प्रैक्टिस होता जाएगा क्योंकि ऑलरेडी आप कर चुके हो। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चंस है। ठीक है, आंसर दीजिए। फॉर हिज अप्रेजल, अप्रेजल प्रमोशन, ठीक है। हार्डली क्या है? फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी है। तो ये कहाँ आना चाहिए? हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब के बीच में आना चाहिए, ये इसका पोजीशन है, ठीक है। कहीं भी और अगर ये रहेगा तो ये गलत ही रहेगा, कहीं भी और अगर ये रहेगा तो गलत रहेगा, ये इसका पोजीशन है। उसके अलावा इसका सेंस भी होता है, हार्डली का सेंस होता है ना के बराबर। तो आप ये भी देखो कि सेंस वाइज ये सेट भी हो रहा है वहां पर जहां पर रखा हुआ या एज इट इज उठा के रख दिया गया है ना, ये देखना है, ये हमें देखना है। और हार्ड जो होता है एडवर्ब ऑफ मैनर है, ये कहां आएगा? वर्ब के बाद पोजीशन कहां आती है इसकी? आफ्टर वर्ब। अगर टीवी आ गया तो और भी बाद में आएगा। आफ्टर वर्ब इस तरीके से, ये पोजीशन से आप करो। दे वर्क हार्ड, ये वर्ब है, वर्ब के बाद हार्ड सही होता है। ये वर्ब है, ये वर्ब के पहले सही होता है। रोहित इज हार्ड टू अंडरस्टैंड, रोहित इज हार्ड टू अंडरस्टैंड वर्ब के बाद आ रहा है ना, मेन वर्ब के बाद है। अब हार्ड टू अंडरस्टैंड ये भी सही है, ये कह रहा है रोहित डिफिकल्ट है समझने में, रोहित को समझना डिफिकल्ट है, इज इट? या रोहित इज हार्डली टू अंडरस्टैंड, क्या होगा, क्या होगा, हार्डली होगा या हार्ड होगा?
हार्ड टू अंडरस्टैंड, डिफिकल्ट है समझने में. रोहित इज टफ टू अंडरस्टैंड, रोहित इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. सही है कि नहीं है? तो हार्ड हमारा सही है. हार्ड यानी क्या है यहाँ पर? वही टफ, डिफिकल्ट एडजेक्टिव है ये. यहाँ पर एडजेक्टिव वाला हार्ड है ये. सही है. रोहित कैसा है? हार्ड है. कैसा है? हार्ड है. कैसा है? हार्ड है. टू अंडरस्टैंड समझने के लिए हार्ड है. हो गया अगला वाला. यू हार्डली पे एनी हीट. हार्डली आ गया, ये वर्ब है. वर्ब के पहले इसकी पोजीशन आ सकती है. तुम अटेंशन पे करते हो, ध्यान देते हो ना के बराबर. तुम ध्यान देते हो ना के बराबर. करेक्ट है ये भी, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है अगला वाला. ही लॉस्ट ऑल हिज, उसने खो दिया. ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया. ठीक है अब वर्ब के बाद में हार्डली का तो मौका गया. हार्डली यहां आ सकता है केवल, हार्डली यहां पर आ ही नहीं सकता है. ही लॉस्ट, उसने खो दिया क्या? ऑल हिज हार्ड अर्न्ड मनी, कठिन तरीके से कमाया गया पैसा. ये नाउन, ये एडजेक्टिव और ये एडवर्ब. हार्ड अर्न मनी एडजेक्टिव के लिए आ रहा है यहां पर. आ सकता है नहीं आ सकता है? ठीक है तो यहां पर हार्डली गलत है ना. LY हटेगा. हाँ ये वाला सेंटेंस, रोहित इज हार्ड टू अंडरस्टैंड. चलो एक काम करते हैं, यहां लिखते हैं रोहित इज हार्डली. अब हार्डली इन एडवर्ब है बेटा, है ना, एडवर्ब है. इसके बाद तो ये सही हो सकता है. रोहित इज हार्डली अटेंटिव, ये सही है क्योंकि यहां पर एडजेक्टिव आ गया. ठीक है इज हार्डली केयरिंग, ना के बराबर वो केयरिंग है. यहां पर भी सही है, एडजेक्टिव आ गया. ये एडवर्ब है, सही है. लेकिन एक मिनट, रोहित इज हार्डली टू गो, मान लो ये नाउन हो गया ना, नाउन, इन्फिनिटिव नाउन हो गया. ठीक है अब बताओ सही है क्या? ये सही क्यों नहीं है? अगर आपने इसमें हार्डली लगा दिया तो ये सही क्यों नहीं होगा? क्योंकि टू प्लस वर्ब फर्स्ट इज इक्वल्स टू इन्फिनिटिव, और इन्फिनिटिव नाउन है और ये कभी इन्फिनिटिव के लिए नहीं आता. ये कभी इन्फिनिटिव के लिए नहीं आता, नहीं आता इन्फिनिटिव के लिए. ओके इसलिए ये अगर हार्डली लगाओगे तो गलत हो जाएगा क्योंकि यहां पर नाउन आ रहा है. डन, चलो आगे चलते हैं. फाइव तक कर लिया. सिक्स में, सिक्स में दे हार्डली ट्राई, वो हार्डली ट्राई करते हैं. इसके पहले आ रहा है सही, वो ना के बराबर कोशिश करते हैं हार्ड वर्क की. अब ये कैसा है? वर्क. कैसा वर्क? हार्ड वर्क. टू डू वर्क, टू डू हार्ड वर्क, टू डू हार्ड वर्क. ठीक है ये इसके लिए आया एज एन एडजेक्टिव. किसके लिए आया ये? हार्ड क्या है? नाउन के पहले आ रहा है, एडजेक्टिव. हार्ड क्या है यहां पर? एडजेक्टिव. हार्ड यानी हार्ड एडजेक्टिव भी हो सकता है, यही लिख देती हूं मैं. हो सकता है कि नहीं हो सकता है? ठीक है चलिए अगला वाला. द स्टूडेंट, सब्जेक्ट हो गया डू, वर्ब आ गया, वर्ब के बाद में आ गया. ये वर्ब के बाद में आ गया, 100% गलत है ये, 100% गलत है. स्टूडेंट्स डू हार्डली एफोर्ड टू लर्न टेबल्स. अब आपको यहां पर या तो इसको इधर रखो, है ना, इधर रखो तो स्टूडेंट्स हार्डली डू एफर्ट्स टू लर्न टेबल्स, या तो ये करोगे या फिर स्टूडेंट्स डू हार्ड एफर्ट्स. कैसे एफर्ट? एफर्ट्स कर दो स्टूडेंट्स, ऐसे एफर्ट्स करते हैं, हार्ड एफर्ट्स टू लर्न टेबल. अब ये नाउन है, एफर्ट्स करते हैं. कैसे एफर्ट्स? हार्ड एफर्ट्स. एडजेक्टिव. कॉम्प्लिकेशन है कहीं पे पूछ लीजिएगा. नंबर एट, फॉर हिज अप्रेजल, उसकी अप्रेजल के लिए उसको जरूरत है काम करने की. कैसा काम करने की? हार्ड. कैसा काम करने की? हार्ड. ही नीड्स टू वर्क हार्ड.
needs to work hard. ly यहां भी नहीं आएगा. ठीक है, बताइए कोई दिक्कत? है कोई दिक्कत? अब हम चलेंगे नेक्स्ट पेज पे, इनफ को पढ़ लेंगे अगर ये सही है तो. ठीक है चलो इनफ पढ़ते हैं. इनफ, इनफ कैन बी एडजेक्टिव ऑल्सो एंड एडवर्ब ऑल्सो. ये तो पता है इनफ एडजेक्टिव भी हो सकता है, एडवर्ब भी हो सकता है. ऊपर वाला दिखाई नहीं दे रहा है क्या आज? चलो कोई बात नहीं, इनफ एडवर्ब एडजेक्टिव दोनों हो सकता है. इनफ टाइम, इनफ मनी, ये बताइए एडजेक्टिव होगा या नहीं होगा, एडवर्ब होगा या नहीं होगा. इनफ स्मार्ट, इनफ enough efforts, पर आपने ऐसा भी सुना होगा time enough, smart enough, intelligent, clever लिख देते छोटा हो जाएगा इसलिए, clever enough. ठीक है, तो ये जो इनफ है ये यहां पर टाइम के पहले आ रहा है, ये नाउन, तो ये एडजेक्टिव. मनी नाउन, एडजेक्टिव स्मार्ट एडजेक्टिव, तो ये एडवर्ब. एफर्ट्स नाउन एडजेक्टिव, टाइम नाउन एडजेक्टिव, स्मार्ट एडजेक्टिव, नाउन क्लेवर एडजेक्टिव, एडवर्ब. अरे मैंने ऊपर गलत दे दिया शायद, है एडवर्ब. ठीक है, अब देखिए क्या देख रहे हैं इसमें, इस स्ट्रक्चर में क्या देख रहे हैं. इनफ कभी पहले कभी बाद में, कभी पहले कभी बाद में, कभी पहले कभी बाद में. लेकिन क्या ये सारे सही है? नहीं, ये सारे सही नहीं है. क्यों नहीं सही है सारे? क्योंकि क्योंकि ये इनफ जो एडजेक्टिव होता है, इनफ जब एडजेक्टिव होता है तो ये ऐसे होता है नाउन प्लस इनफ, या फिर इनफ प्लस नाउन, ये दोनों तरीके से सही होता है. ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है. इनफ जब एडजेक्टिव होता है तो नाउन प्लस इनफ लगाओ या इनफ प्लस नाउन लगाओ, दोनों सही होता है. इनफ यानी पर्याप्त, इनफ टाइम है पर्याप्त समय है, इनफ मनी है पर्याप्त मनी है, मनी इनफ उसके पास पैसा बहुत है तो दोनों बोल सकते हैं, समय बहुत है टाइम इनफ दोनों बोल सकते हैं, तो ये दोनों तरीके से सही है. लेकिन वंस इट इज एडवर्ब, अगर ये एडवर्ब बन गया तो कैसे सही होगा? अगर आप इनफ शुरुआत में लगाते हो तो ये हमेशा गलत है. आपको क्या करना पड़ेगा? पहले एडजेक्टिव लिखोगे, उसके बाद ही इनफ लगाओगे. अगर आप ऐसा नहीं करते तो एडजेक्टिव वाला हमेशा गलत हो जाएगा. ठीक है, यानी कि जब ये एडवर्ब होगा तो हमेशा एडजेक्टिव के बाद में आएगा, अगर ये एडजेक्टिव है तो नाउन के पहले या बाद में हो सकता है. इसके बेसिस पे इनमें से नंबर दे रही हूं मैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. कौन सा सही है कौन सा गलत है फटाफट से फाइंड आउट करिए, कौन सा सही है कौन सा गलत है ये बताइए. दूसरी जो बातें हमें इनफ के बारे में सीखनी होती है वो भी आपको यहीं पे सीख लेना चाहिए, ताकि नेक्स्ट पेज पे हम कर सके सिर्फ क्वेश्चन. इनफ जो होता है इसके बारे में दो बातें और है,
बताइए कौन सा सही है कौन सा गलत है। ठीक है, चलिए एक बार बता दिया आप लोगों ने, लेट मी चेक कौन सा सही है कौन सा गलत है। इनफ टाइम, इनफ नाउन के पहले या बाद में दोनों आ सकता है। सही है, इनफ मनी सही है, इनफ स्मार्ट। अब एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव का केस क्या था, हमेशा एडजेक्टिव पहले इनफ बाद में आएगा, ये गलत हो गया। ये नाउन है, ये सही है। टाइम इनफ नाउन पहले, ये भी सही है। स्मार्ट इनफ अभी एडवर्ब बाद में आ रहा, सही है, ये भी सही है। तो गलत कौन सा है? ओनली थ्री रॉन्ग है, बाकी सब सही है। ठीक है, सिर्फ थ्री रॉन्ग है, बाकी सब सही है। डन। ये इनफ के कॉन्सेप्ट्स है, ये पूरे इनफ के कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक है, इनफ के बारे में सिर्फ इतना ही जानना होता है आपको, दैट्स इट, और कुछ नहीं जानना होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट पेज पे। अब जितना आपने यहां पढ़ा है एक बार पूरा देख लीजिए, क्योंकि अब मैं दूंगी सिर्फ क्वेश्चंस और आपको क्वेश्चंस को सही करना है या गलत करना जो भी है वो आपको करना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चंस दे रही हूं आपको, क्वेश्चंस करना है, राइट या रॉन्ग। She did not have enough courage to speak the truth. Number one. Number two. We have resources enough for surviving in this remote area. ठीक है, आंसर्स बताते रहिए क्या राइट होगा क्या रॉन्ग होगा। आई फाउंड हिम नेक्स्ट।
नेक्स्ट चलिए करिए। वन सही है, करिए आराम से करिए। शी डिड नॉट हैव, ये है सब्जेक्ट, ये है वर्ब, यहां आया इनफ, यहां आया करेज। उसके पास नहीं है क्या? करेज नहीं है, ये नाउन है। नाउन के पहले और नाउन के बाद में इनफ जो होता है वो आ सकता है, यानी एडजेक्टिव है, दोनों जगह आ सकता है, यानी वन जो है वो सही है। करेज इनफ भी सही है और इनफ करेज दोनों सही है ना। एडजेक्टिव है नाउन के पहले या नाउन के बाद में, दोनों आ सकता है। तो फर्स्ट तो करेज हो गया सही, इनफ सही है। दूसरा वाला वी हैव, हमारे पास रिसोर्सेज है। अभी देखो ये नाउन है, हमारे पास क्या है? रिसोर्सेज। यहाँ पर एडजेक्टिव, ऊपर वाला सही है तभी नीचे वाला भी सही है, दोनों सही है, क्योंकि इनफ करेज या रिसोर्सेज इनफ दोनों एकदम सेम बात है, दोनों एकदम सेम बात है, नाउन के पहले या नाउन के बाद में दोनों ही ये सही होता है। तो फर्स्ट सेकेंड 100% सही है। मूव करते हैं थर्ड की तरफ। आई फाउंड, मैंने पाया, किसको? उसको। कैसा पाया? क्लेवरर इनफ, क्लेवरर इनफ, ये है इनफ। इनफ के पहले यहां पर आया है एडजेक्टिव। हमने पीछे क्या पढ़ा था? थ्री भी सही है, थ्री भी सही है। भाई यहां देखो, थ्री में यहां पर कुछ लिखा हुआ है, टेक्स पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव, नेवर टेक्स कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री। कभी भी ये कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री नहीं लेता है, सिर्फ पॉजिटिव डिग्री लेता है। तो थ्री आपका कैसे सही है? थ्री में आ रहा है ER, और ER मिलके ये सुपरलेटिव सॉरी कंपैरेटिव डिग्री बन जाता है ना, ये तो कंपैरेटिव डिग्री बन गया, सॉरी। तो ये क्लेवरर नहीं होगा, क्लेवर इनफ आएगा, ठीक है। अगला वाला, ही वॉज इनफ सेंसिबल, इनफ सेंसिबल, इनफ एडजेक्टिव और ये एडवर्ब। क्या पढ़ा था? अगर एज एन एडजेक्टिव इनफ आ रहा है, अगर इनफ एज एन एडजेक्टिव आ रहा है तो पहले या बाद में कहीं भी आ जाएगा, चल देगा। लेकिन इनफ अगर एज एन एडवर्ब आ रहा है, एडजेक्टिव के लिए आएगा, तो वो हमेशा एडजेक्टिव के बाद में आएगा, एडजेक्टिव के बाद में आएगा। स्मार्ट इनफ सही है, क्लेवर इनफ सही है, लेकिन इनफ स्मार्ट रॉन्ग है, ठीक है। तो इस वाले में क्या करेंगे? इनफ सेंसिबल जो है ये गलत है। राइट क्या होगा? ही वॉज सेंसिबल इनफ। ठीक है, करेक्ट हो गया। अगला वाला, यू आर मोर प्लीजिंग इनफ, आप मोर प्लीजिंग इनफ हैं टू फेस एनी इंटरव्यू, किसी भी इंटरव्यू को फेस करने के लिए आप मोर प्लीजिंग हैं, आप और भी ज्यादा प्लीजिंग है। तो इसमें वही चीज, कंपैरेटिव बनाना है इसको। अब ये हो गया पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव पहले एडवर्ब बाद में सही हो गया, ठीक है। 5 questions हो गए, अभी भी इसमें एक क्वेश्चन है जो गलत है, ढूंढिए और फाइंड इट आउट, बताइए मुझे। एक क्वेश्चन अभी भी गलत है जिसको आपने पूरा इग्नोर कर दिया, नहीं देखा है।
क्योंकि शायद आपने उस कॉन्सेप्ट पे ध्यान नहीं दिया कि इनफ जो होता है वो अपने साथ क्या लेता है. इनफ के साथ हमेशा क्या आता है? इन्फिनिटिव आता है. क्या आता है? इनफ हमेशा अपने साथ इन्फिनिटिव लेता है. इनफ अपने साथ हमेशा इन्फिनिटिव लेता है. इनफ अपने साथ हमेशा इन्फिनिटिव लेता है. यहां क्या ले रहा है? इन्फिनिटिव नहीं ले रहा है, पर आपने इस पॉइंट पे ध्यान नहीं दिया. यहां पर क्या आएगा? टू स्विम. स्विम है ना, क्या लिखा हुआ है? सर्वाइव है. आई एम सॉरी, सर्वाइव है. टू सर्वाइव इन द रिमोट एरिया. वी हैव रिसोर्सेस इनफ टू सर्वाइव. क्लियर हुआ? ये लिखा था शायद मैंने, एक बार चेक कर लेते पीछे वाले में. इनफ के साथ इन्फिनिटिव आता है, जेरंड नहीं आता है. ये ध्यान रखना था. जेरंड नहीं आता, इन्फिनिटिव आता है. इनफ के साथ इन्फिनिटिव आता है, जेरंड नहीं आता है. डन. चले आगे. अब कोई डाउट है किसी को? इफ है बोल दीजिए. एक होता है लेट. ये ऊपर वाला तो दिख नहीं रहा आज आपको ना. लेट और लेटली. हालांकि हम लेट से एसोसिएटेड जो वर्ड है लेटर, लेटेस्ट, अभी कर लिया हमने इनको, है ना. लेटो और लेटो कर चुके हैं, तो अब हम करेंगे ये वाले. लेट एडवर्ब होता है, जिसका मतलब होता है देर से. एडवर्ब में अक्सर जैसे हार्ड हार्डली का कॉन्सेप्ट आता है, वैसे ही लेट लेटली का कॉन्सेप्ट भी बहुत बार पूछ लिया जाता है. बहुत बार पूछ जाता है. लेट का मतलब होता है देर से, पर लेटली का मतलब होता है, लेटली भी एडवर्ब है राइट, पर इसका मतलब क्या होता है? रिसेंटली, अभी हाल ही में. इसका मीनिंग होता, ठीक है. इतना चीजें कैसे याद रखे? मुझे ना तो याद रखना पड़ता है, ये सब प्रैक्टिस से हो जाता है. कोई रटता नहीं है. आप रटते हो क्या वैसे कॉन्सेप्ट? सिर्फ क्वेश्चंस पढ़ा करो, अपने आप होता जाता है ये सब चीजें. कौन सा रटना है इसमें से? कौन सा रटने वाली कोई चीज नहीं है. इनफ के तीन चार कॉन्सेप्ट से जब आप इनफ इनफ सामने आएगा, ये स्लाइड देखो कितनी क्लैरिटी है. आपका इनफ का कौन सा कॉन्सेप्ट? इनफ के चार ही तो कॉन्सेप्ट होते हैं. एक या नाउन होता है, ये नाउन के पहले या बाद में दोनों आ सकता है. एडजेक्टिव के हमेशा बाद में आएगा, इसके आगे कभी जेरंड नहीं आता, हमेशा इन्फिनिटिव आता है. और इनफ के पहले अगर एडजेक्टिव आएगा तो वो हमेशा पॉजिटिव डिग्री का होगा, कोई और नहीं होगा. बहुत सिंपल से कॉन्सेप्ट से, रटने का नहीं है, सिर्फ सेंटेंस की प्रैक्टिस का है. जितनी प्रैक्टिस होगी उतना ही ज्यादा आप कर पाओगे. ठीक है. हाँ, लेट लेटली की बात कर रहे थे. एडवर्ब होता है अभी हाल ही में, रिसेंटली इसका मीनिंग होता है. ये सिर्फ परफेक्ट टेंस में यूज होता है. वो भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ओनली, और कहीं नहीं. और ये बाकी सारे टेंसेस में. ठीक है, बाकी सारे टेंसेस में ये यूज होता है. अच्छा, एक लेट और होता है. लेट मिस्टर, इसका क्या मतलब है? स्वर्गीय. ठीक है, रूल्स याद ही मत करो ना. रूल्स आप पढ़ लीजिए, जैसे मान लो नाउन्स पढ़ा आपने. अच्छा, आपको प्रैक्टिस शीट्स तो ना मिली है? ठीक है, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस शीट्स प्रोवाइड करवा देंगे. हाँ,
मान लो आपने नाउन्स पढ़ लिए या मान लो एडवर्ब्स पढ़ लिए, कितने एडवर्ब्स की? मेरे ख्याल से बेस्ट वे क्या है पढ़ने का, जो स्लाइड्स होती है ना, सिर्फ स्लाइड्स आप 1 घंटे में, मेरे ख्याल से जितनी एडवर्ब की स्लाइड्स करवाऊंगी, जो मैंने कल करवाई वो और जो मैं आज करवा रही हूँ, 1 घंटे में सारी रिवाइज कर सकते हो, कोई इतना टाइम ही नहीं लगता है, इतना टाइम लगेगा ही नहीं आप लोगों को स्लाइड्स निकालने में। स्लाइड्स निकालो अपने सामने से, फिर एडवर्ब के दुनिया जहान के क्वेश्चंस करो, गूगल भरा पड़ा है क्वेश्चंस से, सिर्फ आपको ढूंढने की देर है, इतने क्वेश्चंस मिल जाते हैं, और कहीं से क्वेश्चन मत करो। प्रीवियस ईयर नहीं मिल रहे कोई बात नहीं, क्वेश्चन करो, एटलीस्ट प्रैक्टिस तो होगी, फिर लगाते रहना प्रीवियस ईयर जब मिल जाए तब, समझ रहे हो? मैं करवाती हूँ प्रीवियस ईयर, बाकी जो दुनिया जहान के क्वेश्चन आप करो कहीं से भी, सिर्फ क्वेश्चन करो इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस रटने वाला काम। रटना क्यों है? मैंने नहीं रटा, मुझे नहीं लगता कोई भी अच्छा जो इंटेलिजेंट होगा बच्चा वो रटेगा। क्यों रटोगे? कॉन्सेप्ट करो, क्वेश्चन करो, प्रैक्टिस करो, अपने आप वो अपने आप आएंगे। बार 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 अगर आपका हार्डली गलत होता तो आपको भी तो क्लिक करेगा, हार्डली आ रहा है, हार्ड लिखना, हार्डली आ रहा है, हार्ड लिखना, हार्ड आ रहा है, हार्डली लिखना, बार बार हार्ड की जगह हार्डली की जगह हार्ड, अपने आप प्रैक्टिस से होगा ये, ठीक है? तो ये मत करो। चलिए, ये सारे हम लोग एडजेक्टिव में कर चुके हैं। लेटर, एडजेक्टिव, बाद में, लेटेस्ट, एडजेक्टिव, सबसे नया, लेटर, नाउन, खत, पत्र, चिट्ठी, लेटर, एडवर्ब, ओ सॉरी एडजेक्टिव, बाद वाला, सीक्वेंस में बाद वाला, सीक्वेंस में बाद वाला, ठीक है? चलिए अब हम लोग करते हैं इनके क्वेश्चंस। ये क्या है? कॉन्सेप्ट्स ऑफ लेट। ये सब लेट है, सब लेट है, लेट से एसोसिएटेड सारे वर्ड्स हैं। अब इनके क्वेश्चंस दे रही हूं फटाफट से, बस आपको लेट लेट या लेटली, लेट या लेटली ये फिल करना है। फिल करिए, हाँ बहुत सारे ऐसे हो सकते हैं जो एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों होंगे, डिपेंड करेगा यूसेज पे कि क्या यूज हो रहा है, कैसे यूज हो रहा है। सिर्फ लेट लेटली फिल करना है आपको। लेटर कैसे आ गया और लेटर का मतलब क्या होता है? बाद वाला, सीक्वेंस वाला। सीक्वेंस
करिए। आंसर आ रही है वॉइस आई गेस, अब देखो आ रही है। चलिए ही हैज विजिटेड द डॉक्टर, उसने विजिट किया है डॉक्टर को। यहाँ पर परफेक्ट टेंस आ रहा है और मैंने कहा था परफेक्ट टेंस में लेटली आता है, परफेक्ट टेंस आएगा लेटली। लिखो अभी हाल ही में उसने विजिट किया था किसको।
लेटली, अभी हाल ही में उसने विजिट किया था किसको? डॉक्टर को. किसको विजिट किया? डॉक्टर को. किसको विजिट किया? डॉक्टर को. ठीक है, नेक्स्ट. यू आर अगेन डैश फॉर दिस, एक बार फिर से आप इसके लिए लेट हो, है ना? आप आपको देर हो गई, एक बार फिर से आप देर से आए हो, ये कहने का मतलब है. आर मीटिंग वॉज डिलेड, हमारी मीटिंग डिलेड हो गई थी इस किस कारण? बिकॉज ऑफ योर अराइवल, आपके अराइवल के कारण, आपके लेट अराइवल के कारण. यहां पर ये अराइवल नाउन है और इसलिए ये वाला लेट जो है एज एन एडजेक्टिव आ रहा है. लेट सबमिशन, लेट अराइवल, है ना? इस तरीके से लेट डिपार्चर, ये सब नाउन है. ठीक है, ये सब लेट जो होगा यहाँ पर नाउन के साथ में आ रहा तो एडजेक्टिव बन जाएगा. नेक्स्ट में आई हैव नॉट सीन हिम, परफेक्ट टेंस है. परफेक्ट टेंस होने के कारण, ये परफेक्ट टेंस होने के कारण यहाँ पर आएगा लेटली, यहाँ पर आएगा लेटली. नेक्स्ट, दो रिसीव दैट इंफॉर्मेशन, हालांकि हमने वो इंफॉर्मेशन रिसीव करी, प्राप्त करी, बट लेट. मिली तो सही हमें इंफॉर्मेशन, पर देरी से. कब मिली? देरी से. द चाइल्ड डिस्क्राइब, बच्चे ने डिस्क्राइब किया किसको? हिज मदर, हिज मदर, हिज मदर. तो अब लेट और लेटर वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं है ये. ये कौन सा कॉन्सेप्ट है जो लास्ट में लिखा हुआ था? लेट का मतलब स्वर्गीय होता है. उसने अपनी स्वर्गीय मदर को डिस्क्राइब करा, तो हिज लेट मदर. ठीक है, यू कुड मिस द वोट, आप अपनी वोट मिस कर सकते थे अगर आप लेट हो जाते, अगर आपको देर हो जाती. बताइए कितने मार्क्स आए हैं आपके? 7 में से कितने मार्क्स दोगे अपने आप को? बताइए, आंसर दीजिए फटाफट से. और कोई क्वेश्चन जो क्लियर नहीं है बताइए. 6 आए, एक गलत हो गया क्योंकि आपने कहीं पर लेटर लिख दिया था, जहां तक मुझे लग रहा है. ठीक है, चलिए आगे चलते हैं. अब ये हमारा हमारा कॉन्सेप्ट हो गया. अब देखो, अब जो इसमें कॉन्सेप्ट है, एक तो मच वाला, टू मच वाला, मच टू वाला, और ओनली ओनली टू वाला, या वेरी टू वाला, ये बहुत सारे कॉन्सेप्ट है जो हम लोग आगे करने वाले. उससे पहले एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम खत्म कर लेते हैं ऑलरेडी, यट और स्टिल का कॉन्सेप्ट. ऑलरेडी, येट और स्टिल का कॉन्सेप्ट. लेटली वाला दोनों गलत है, इसलिए क्योंकि लेटली आपने समझा ही नहीं. लेटली कहाँ आता है? परफेक्ट टेंस है तो लेटली आएगा, परफेक्ट टेंस है तो लेटली ही आएगा. ठीक है, ऑलरेडी येट में क्या होता है? ऑलरेडी इज पहले से ही, येट अब तक, स्टिल भी अब तक. ठीक है, अभी तक बोल दो, कोई दिक्कत नहीं. ठीक है, जनरली आपने एक सेंटेंस सुना होगा, आई एम स्टिल वेटिंग फॉर हिम, आई एम स्टिल वेटिंग फॉर हिम, ये राइट है, ये राइट है. अब चेंज, अब इनको पहले पता कर लेते हैं, उसके बाद हम सेंटेंसेस लिखेंगे. जैसे कि कुछ सेंटेंस और होगा, ही हैज ऑलरेडी बुक्ड हिज टिकट्स, ही हैज ऑलरेडी बुक्ड हिज टिकट्स. तो ये ऑलरेडी यहां पर आ रहा है, ये यहां पर स्टिल आ रहा है. वी हैव नॉट रिसीव्ड
एनी इंफॉर्मेशन वी हैव नॉट रिसीव्ड एनी इंफॉर्मेशन येट. अब तक हमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली है. ठीक है, ये दोनों सेम है अब तक पर एक में स्टिल आ रहा है, एक में येट आ रहा है, दोनों सेम है. अब चेंज क्या है इनमें, देखो ये जो ऑलरेडी है ये सिर्फ और सिर्फ परफेक्ट टेंस में आता है. ओनली परफेक्ट टेंस में. और जो येट है ये सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में. नेगेटिव सेंटेंसेस में लास्ट में. ठीक है, हालांकि बहुत बार लास्ट की जगह को तो इग्नोर ही कर दिया जाता है, बीच में भी लगा दिया जाता है, पर राइट यही है कि आप इसको लास्ट में लगाओ. अगर एग्जैक्ट पोजीशन चाहते हो तो इसको लास्ट में लगाओ. और स्टिल जो होता है वो बाकी सारे टेंसेस में. ठीक है, हेल्पिंग वर्ब प्लस स्टिल प्लस मेन वर्ब. एक ये स्ट्रक्चर हो सकता है, स्टिल लास्ट में भी आ सकता है. ऐसे भी आ सकता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद भी आ सकता है. तीनों सही है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ही इज इन द या ही इज इन हिज रूम स्टिल. ये भी करेक्ट है, ही इज स्टिल इन हिज रूम. ये भी करेक्ट है, इसमें आपको स्टिल यहां पर दिखाई दे रहा है, इसमें आपको स्टिल यहां पर दिखाई दे रहा है. ठीक है, दोनों जगह स्टिल जो है आपका करेक्ट होता है, दोनों जगह करेक्ट होता है, कहीं भी लगा लो. पर येट जो है वो सेंटेंस के लास्ट में होता है, हालांकि कई लोग इसको बीच में भी लगा देते हैं, पर येट को नेगेटिव सेंटेंसेस में और परफेक्ट टेंस में और लास्ट में ही लगाना चाहिए. नेगेटिव सेंटेंस है तो लास्ट में लग जाएगा. क्या आएगा इसमें बताइए. वी डिड नॉट गेट एनी आइडिया, वी डिड नॉट गेट एनी आइडिया, क्या आएगा? हर्ष आप यट बोल रहे हैं, यट कब आता है बेटा, कौन से टेंस में आता है, पढ़ो जाके वहां पे ऊपर. ये आएगा स्टिल ओनली, क्योंकि स्टिल शुरुआत में इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है,
है ना। और टेंस देखना आपको, डिड नॉट गेट है तो ये परफेक्ट टेंस है। जब परफेक्ट, सॉरी ये परफेक्ट टेंस नहीं है, परफेक्ट टेंस नहीं है तो आप स्टिल नहीं लगाओगे। सॉरी परफेक्ट टेंस में स्टिल लगाओगे ना, येट थोड़ा ना लगाओगे आप किसी भी और जगह, इसलिए येट यहां पर गलत है। सिर्फ एक ही आंसर होगा जो कि स्टिल होगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ इस कॉन्सेप्ट को आज यहाँ पे खत्म कर रहे हैं। मच वाले जो कॉन्सेप्ट हैं वो थोड़े ज्यादा कॉन्सेप्ट हैं, एक साथ हम लोग करेंगे अगली क्लासेस में और पूरे प्रैक्टिस के साथ। ठीक है, कुछ पूछना है तो जल्दी से पूछ लीजिए। मच वाले, मोस्ट वाले, मोस्ट का डिफरेंस, मोस्ट और द मोस्ट का डिफरेंस, मोस्ट द मोस्ट अ मोस्ट या मोस्टली, इन सब में क्या डिफरेंस होता है, ये सब हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। एनीथिंग टू आस्क, आस्क मी नाउ। वो कैब की क्लास में आज कुछ इशू था शायद, तो आज क्लास नहीं हुई, देखते हैं, होगी तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, है ना।